जय माता दी। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों आज हम आप सभी के समक्ष कुंभ संक्रांति की कथा एवं इस दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सूर्य के राशि परिवर्तन को संक्रांति कहा जाता है। ऐसे में जब सूर्य अपना राशि परिवर्तन करते हुए कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहा है तो इसे कुंभ संक्रांति कहा जाता है। यह त्योहार हिंदू धर्म में बेहद ही खास महत्व रखता है। इस वर्ष कुंभ संक्रांति का त्योहार 13 फरवरी 2022 को मनाया जाने वाला है। इसके चलते इस दिन स्नान, दान, पूजा, कथा, श्रवण इत्यादि का खास महत्व होता है। कुंभ संक्रांति के दिन से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में ऐसी मान्यता है कि जो कोई मनुष्य इस कथा को सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है उसे जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कुंभ संक्रांति की कथा। प्राचीन समय में एक हरिदास नाम का ब्राह्मण हुआ करता था। हरिदास विद्वान होने के साथ साथ बेहद ही धार्मिक और दयालु स्वभाव के थे। हरिदास की पत्नी का नाम गुणवती था। अपने पति की तरह गुणवती भी धार्मिक कार्यों में लीन रहती थी और कभी भी किसी का अनादर नहीं करती थी। गुणवती ने अपने जीवन में सभी देवी देवताओं का व्रत किया लेकिन धर्मराज यानी धर्मराय प्रभु की सेवा ना कभी की और ना ही उनके नाम से कभी भी दान और पुण्य दिया। ऐसे में मृत्यु के पश्चात जब चित्रगुप्त उनके पापों का लेखा जोखा पढ़ रहे थे तब उन्होंने गुणवती को अनजाने में हुई अपनी इस गलती के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हे देवी, तुमने जीवन भर सभी देवी देवताओं का व्रत पूजन इत्यादि पूरी श्रद्धा से किया है लेकिन धर्मराज के नाम से ना ही कभी कोई दान पुण्य किया ना ही पूजा पाठ किया। यह बात सुनकर गुणवती ने कहा, भगवान यह गलती मुझसे अनजाने में हुई है, ऐसे में इसे सुधारने का मुझे कोई उपाय बताएं। तब धर्मराज ने कहा कि जब सूर्य देवता उत्तरायण में जाते हैं यानी मकर संक्रांति के दिन से मेरी पूजा शुरू कर देनी चाहिए। इसी क्रम में चलते हुए पूरे वर्ष भर मेरी कथा सुननी और पूजा करनी चाहिए। इसमें गलती से भी कोई भूल नहीं होनी चाहिए। मेरी पूजा के दौरान मन में किसी तरह का कोई पाप, किसी के बारे में कोई बुरा विचार, कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। इसके बाद पूजा और व्रत विधि पूर्वक रखना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। जो कोई व्यक्ति ऐसा करता है और इसके बाद साल भर के बाद उद्यापन कर देता है उसे जीवन में सभी सुख समृद्धि अवश्य प्राप्त होती है। धर्मराज जी ने यह भी कहा कि मेरे साथ साथ चित्रगुप्त जी की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। उन्हें सफेद और काले तिलों के लड्डू का भोग अर्पित करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन और दान इत्यादि करवाएं। ऐसा करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं रहता और उसके जीवन में समस्त सुख आजीवन बने रहते हैं। तो दोस्तों ये तो थी कुंभ संक्रांति की कथा। अब आपको कुंभ संक्रांति पर किए जाने वाले बेहद ही सरल उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। जीवन में सुख समृद्धि और हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए कुंभ संक्रांति के दिन सुबह जल्दी उठें। स्नान इत्यादि करने के बाद सूर्य देव की पूजा करें और उन्हें अर्घ दें। कुंभ संक्रांति के दिन आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ भी अवश्य करें। इसके अलावा सभी मनोकामना पूर्ति के लिए कुंभ संक्रांति के दिन सूर्य पूजा के साथ सूर्य चालीसा पढ़ें।
सूर्य देवता की आरती उतारें और सूर्य मंत्र का विधि पूर्वक जाप करें। इस दिन दान का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसे में अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन जरूरतमंदों या ब्राह्मणों को खाने की कोई चीज, कपड़े और अन्य का दान अवश्य करें। इसके अलावा इस दिन घी का दान करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। सूर्य देव की प्रसन्नता हासिल करने के लिए गरीब बच्चों में फल इत्यादि बांटें। इसके अलावा कुंभ संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है। ऐसे में मुमकिन हो गंगा नदी या किसी भी पवित्र नदी में स्नान के लिए अवश्य जाएं। हालांकि यदि ऐसा मुमकिन नहीं है तो घर पर ही स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान अवश्य करें।